चलिए ग्रुप 15 के अकरेंस की बात करेंगे, तो जो ग्रुप 15 के जो 5 मेंबर्स हमने देखे हैं, तो हमें ये देखना है कि अब वो मिलते कहाँ कहाँ पे और कितने परसेंट में मिलते हैं। तो पहला जो मेंबर है नाइट्रोजन, तो हमें ये पता है कि एटमॉस्फेयर के अंदर सबसे ज्यादा जो गैस प्रेजेंट होती है वो नाइट्रोजन होती है और वो 78% होती है। ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा गैस कौन सी प्रेजेंट है? नाइट्रोजन, यानी कि N2 प्रेजेंट है। तो जो नाइट्रोजन का मेन सोर्स है वो आप बोल सकते हो कि वो एटमॉस्फेयर है, वो N2 के फॉर्म में मिलती है। नाइट्रोजन जो है दो और फॉर्म में मिलता है और वो अर्थ क्रस्ट के अंदर यानी जमीन के अंदर दो और फॉर्म में मिलता है मिनरल्स के फॉर्म में। एक पहला होता है सोडियम नाइट्रेट और दूसरा होता है पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, इसके अलावा अगर आप नाइट्रोजन की बात करो तो नाइट्रोजन एनिमल्स और प्लांट के प्रोटीन्स में भी मिलता है। तो हमें 5 सोर्सेस याद रखने हैं नाइट्रोजन के। पहला कि वो एटमॉस्फेयर में मिलता है, 78% एटमॉस्फेयर में है। दूसरा सोडियम नाइट्रेट यानी NaNO3 के फॉर्म में मिलता है। तीसरा पोटेशियम नाइट्रेट यानी KNO3 के फॉर्म में मिलता है। चौथा हमें याद रखना है कि प्लांट के प्रोटीन्स, और पांचवा एनिमल के प्रोटीन्स में मिलता है। तो हमें 5 जगह पे पता है कि नाइट्रोजन मिलता है, सबसे ज्यादा एटमॉस्फेयर में मिलता है। नाइट्रोजन के बाद जो दूसरा मेंबर है वो है आपका फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस जो है ना वो आपको एक मिनरल के फॉर्म में मिलता है और उस मिनरल को बोला जाता है एपेटाइट फैमिली, है ना। तो जो एपेटाइट फैमिली है वो क्या होती है अभी देखेंगे, लेकिन जो एपेटाइट फैमिली है उसके अंदर मेनली हमें फॉस्फोरस मिलता है। उसके अलावा हमारे पास एग्स होते हैं और मिल्क होता है, उसके अंदर भी अच्छा खासा फॉस्फोरस हमें मिल जाता है। तीसरी बात करें फॉस्फोरस के जो नीचे के 3 एलिमेंट्स है यानी कि आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, तो ये जो कंबाइन फॉर्म में आपको सल्फाइड के साथ मिलते हैं, यानी आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ ये जो मिनरल्स है हमें वो सल्फाइड्स के फॉर्म में मिलते हैं। आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ सल्फाइड्स के फॉर्म में मिलते हैं, यानी वो सल्फर के साथ कंबाइन फॉर्म में हमें अर्थ के अंदर मिलते हैं। तो ये 3 बातें हमें, 3 पॉइंट्स लिखने हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमने यही लिखा है कि जो नाइट्रोजन है वो N2 के फॉर्म में मिलता है और एटमॉस्फेयर में 78% उसका परसेंटेज होता है। उसके बाद हमारा नाइट्रोजन NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट और KNO3 यानी पोटेशियम नाइट्रेट के फॉर्म में भी मिलता है, अलोंग विद दी हमें प्रोटीन्स के फॉर्म में भी मिलता है, एनिमल्स के अंदर और प्लांट के अंदर प्रेजेंट रहता है। इसके बाद बात करें तो फॉस्फोरस जो है, फॉस्फोरस हमें एक तो याद रखना है मिल्क में भी मिलता है, एग में भी मिलता है, हालांकि मैंने मेंशन नहीं किया है, आप चाहो तो कर लो। और एक जो मेन है वो है उसका जो मिनरल है वो है एपेटाइट फैमिली। तो अगर आप NCERT पढ़ो तो एपेटाइट फैमिली कुछ इस तरह से मेंशन है, इस चैप्टर के NCERT जरूर पढ़ना। NCERT में एपेटाइट फैमिली कुछ ऐसा लिखा है Ca9PO46.CaX2 और X की जगह या तो फ्लोरीन आएगा या आपका क्लोरीन आएगा या आपका OH आएगा। ठीक है, अब आप ध्यान से इसको फोकस करो Ca9PO4.CX2। तो इसको अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें P दिख रहा है आपको, तो ये कुछ नहीं है, ये फॉस्फोरस का मिनरल है। तो फॉस्फोरस का जो मिनरल है इसी फैमिली को बोला जा रहा है एपेटाइट फैमिली। तो एपेटाइट फैमिली के अंदर फॉस्फोरस मिल रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है फॉस्फोरस मिल रहा है, और फॉस्फोरस मिल्क में और एग में भी मिल रहा है इन दी फॉर्म ऑफ फॉस्फोप्रोटीन्स। फॉस्फोप्रोटीन्स एक तरह का प्रोटीन होता है जो मिल्क में और एग में रहता है। तो 2 जगह याद रखनी है आपको जहां पे फॉस्फोरस मिल रहा है, और बाकी के जो 3 है यानी कि आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, इनका तो बहुत आराम से याद रखेंगे कि ये 3 जो है सल्फाइड्स के फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, ओके।